हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग आप लोगों को बता दूं आज से हम लोग अपनी क्लासेस वापस से रिज्यूम करेंगे तो अभी आप जो क्लास देख रहे हैं वो है क्रॉप्स इन इंडिया इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अब भी सर लेके आए हैं जो आपके जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे के या इंडिया दोनों के कम्पेटिटिव कम्पेरिजन में इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ आपको बता दूँ आज से आप लोगों को इंग्लिश साइंस और जो करंट अफेयर की क्लासेज है वो मिलना शुरू हो जाएंगी जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पर ये देना था आप लोगों का जो नवंबर का मॉक टेस्ट शेड्यूल है वो हम लोग लेके आ गए हैं तो इन डेट्स को आप लोग नोट कर लीजिए पंद्रह तारीख को आपका टेस्ट होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का टेस्ट नंबर सेवन जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट नंबर फोर होगा आपका अट्ठारह तारीख को यानी कि जिन लोगों का फेज़ टू है वो लोग ये टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करेंगे आप बाद में टेस्ट दीजिएगा जिन्होंने फेज़ वन क्वालीफाई कर लिया है और जिनका फेज़ थ्री में टाइपिंग होगा आप लोग ये टेस्ट जरूर देना बात करते हैं उसके बाद इक्कीस तारीख को होगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जिसका एग्जाम आपका सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में है Uh, टेस्ट नंबर थ्री हम लोग देंगे एस आई फाइनेंस का टेस्ट होगा टेस्ट नंबर फोर और जिनका एग्जाम सब ऑडिटर का है सुपरवाइजर का है आप लोग ये दो से तीन टेस्ट अटैम्प्ट करके पेपर में जाइएगा क्योंकि सिलेबस सेम है और साथ ही साथ जेके बैंक पीओ जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का मॉक टेस्ट वन जो होगा वो हम लोग देंगे पच्चीस तारीख को तो ये नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है टेस्ट होंगे कहाँ पर टेस्ट होंगे बोर्ड की ऐप पर अब आप लोगों को इन टेस्ट में क्या देखना है इन टेस्ट में देखना है अपना रैंक कि आप लोग स्टेट में स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो कंपटीशन में आप लोग सरवाइव कर भी पा रहे हो नहीं क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम अब थोड़ा सा कम बचा है लेकिन मेहनत अगर करोगे तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसी टाइम पे होती है और साथ ही साथ एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ आपको जो आप लोगों को ये टेस्ट अगर लेने हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छः नवंबर तक ऑलिब बोर्ड की तरफ से मेगा दिवाली सेल जो है अभी चल रही है मैक्सिमम डिस्काउंट अभी तक थर्टी का ये देते हैं तो ये इस वक्त मिल रहा है दो दिन के लिए आप लोगों को ये मिल जाएगा आप लोगों को सारे एग्जाम्स के लिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट जी पटवारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार जेके बैंक के जो लद्दाख के स्पेशल रिक्रूटमेंट है और साथ ही साथ यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जूनियर असिस्टेंट के और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो पूरे डिटेल नोट्स हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पॉलिटी ज्योग्राफी सब ये सब आपको मिल जाएगा आप लोग कोड यूज़ कर लेना दिवाली अगर आप लोगों ने सोचा है ये टेस्ट देने का तो ये दो दिन में अगर आप ले लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा थर्टी परसेंट थर्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो ये छः तारीख तक है यहाँ पे तो आप लोग चाहते हैं तो ये ले सकते हैं अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने तो ये ले ही लिया है बट फिर भी अगर आप लोगों ने सोचा है और साथ ही साथ अब तैयारी हम लोगों की तरफ से एफर्ट भी डबल हो जाएगा पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी आप सर बाकी सब टीचर्स तो काम कर रहे थे लेकिन मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रहा था बट अब टाइम आ चुका है एक गेयर और आगे शिफ्ट करने का और तैयारी को और एक स्टेप ऊपर लेके जाने का तो अब बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा साथ ही साथ ऑप्शनल अप्रोच किस तरीके से काम करते हैं वो इस बार इस टेस्ट के साथ मैं आपको सिखाऊंगा एनालिसिस वीडियो में तो चलिए बबाई टेक केयर ऑल द बेस्ट अब जो आप आवाज सुनेंगे वो होगी आबित सर की ऑल द बेस्ट मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेज आई वेलकम यू ऑल इन दिस फ्री एम सी क्यू से विच यू आर गेटिंग ऑन दिस फ्री यूट्यूब प्लेटफॉर्म जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने एम सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें हमने एन्वायरमेंटकोलोजी के जियोग्राफी के हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एम डिस्कस किए तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का सेशन इम्पोर्टेंट होने जा रहा है आज का सेशन जो होने वाला है वो है ऑन द बेस ऑफ़ क्रॉप्स ऑफ इंडिया टूडे सेशन इज़ बेस्ड ऑन क्रॉप्स ऑफ इंडिया जिसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्स में टू टू थ्री क्वेश्चन इन एवरी एग्ज़ाम आते ही आते हैं बिगिनिंग टूडे सेशन विद फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप ऑप्शन ए ग्राम ऑप्शन बी कॉटन ऑप्शन सी पी एंड ऑप्शन डी वीट आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन

Sown in the months of October, December, and these are harvested in the months of April, June, April to June. And in, be, in between these two, between Rabi and Kharif, another cropping pattern is Zaid crops. And these Zaid crops are harvested and sown in between Rabi and Kharif crops between March to July. These are sown and harvested. Examples are fruits, vegetables. जायद की जो एग्ज़ैम्पल्स है एंड अगर हम इम्पोर्टेंट रॉबी करॉप्स की बात करें उनमें आता है व्हीट उनमें आता है ग्राम उनमें पीज आते हैं मस्टर्ड आते हैं बारले आते हैं दीज आर इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स मूविंग ऑन टू यर सेकेंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज मानसून क्रॉप्स इन इंडिया ऑप्शन ए रॉबी क्रॉप्स ऑप्शन बी खारीफ क्रॉप्स ऑप्शन सी Zaid crops and option D none of the above. I hope you have a correct answer. Correct option tick, kar liya hoga, guess, kar liya hoga. the correct answer to our second question is option B that is, kharif crops are also known as monsoon crops. Moving on to our question number third. Question number third is mustard, peas, pulses, barley. एट्सट्रा और द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्शन ए खरीफ क्रॉप्स ऑप्शन बी जायद करॉप्स ऑप्शन सी रॉबी क्रॉप्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अब आई होप आप सभी ने क्रेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टू यंबर थर्ड इज ऑप्शन सी दैट इज दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ रॉबी करॉप्स जो आप जो आप पहले ही सुन चुके हैं सुन चुके हैं दैट इज दीज आर सोन इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर अक्टूबर टू डिसंबर एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन अप्रैल टू जून मंथ्स राइट एंड अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें तो वीट है बारे पीज ग्रैम मस्टर्ड दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स पल्सिस दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रॉबी करॉप्स फर्दर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इज हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया ऑप्शन इन वर्ल्ड सॉरी इन वर्ल्ड ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग ऑप्शन बी विलियम गॉड ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन एंड ऑप्शन डी वर्ग से क्यूरियन आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टू यर फोर्थ क्वेश्चन इज ऑप्शन ए दैट इज नॉर्मन बोरलॉग इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड एंड अगर हम इंडिया की बात करें इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किन को कहा जाता है एमएस एस स्वामीनाथन राइट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव इज व्हाट इज कस्तूरी कॉटन ऑप्शन ए इंडियाज प्रीमियम काटन ब्रांड ऑप्शन बी Genetically modified cotton variety option C, pest resistant hybrid cotton seeds indigenously developed by PUSA, PUSA. and option D, antibacterial cotton variety. I hope you have the correct answer. Correct option take, guess kar liya hoga. the correct answer to your fifth question is option A that is. दिस कस्तूरी काटन इज़ इंडियाज़ प्रीमियम कॉटन ब्रांड लुक अगर हम कॉटन की बात करें तो अगर हम एक्सपोर्ट देखेंगे एक्सपोर्ट के लिहाज से या अगर हम प्रोडक्शन की बात करें इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री विच प्रोड्यूस कॉटन दिस इज़ इंडिया फर्स्ट दिस इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ काटन इन वर्ल्ड एंड हाल ही में ऑन सेवनथ ऑफ अक्टूबर On 7th of October, remember from current affairs point of view. On 7th of October 2020, Ministry of Textiles first ever brand and logo for Indian cotton and this Kasturi cotton is India's premium cotton brand. Right, this was declared on 7th of October by Ministry of Textiles in the year 2020 moving on to question number six question number six is aquaponics sometimes seen in news refers to option a cultivation of marine organisms in tanks or ponds filled with seawater option b growing of plants in a soilless environment option c farming marine species in complete organic environment and option d

सिम्बाटिक रिलेशन में रहते हैं इन विच कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स जो कंप्लीमेंट करते हैं ईच अदर को एक दूसरे को दिस इज द टर्म एक्वापोनिक्स मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बी टी कॉटन ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट सॉरी इट इज एन इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्रॉन्सजेनिक क्रॉप दैट कैन कॉम्बैट द बॉलव स्टेटमेंट सेकेंड इट इज ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अप्रूव इन इंडिया विच ऑफ द अब स्टेटमेंट इज और करेक्ट ऑप्शन ए वन ओनली ऑप्शन बी टू ओनली ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू एंड ऑप्शन डी नीदर वन और टू आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टेक कर लिया होगा गैस कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टू य सेवेंथ क्वेश्चन इज ऑप्शन सी दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर क्रेक्ट अगर हम बी टी कॉटन की बात करें ओनली अप्रूवड जी एम क्रॉप दिस इज बी टी कॉटन खाली एक वाहिद क्रॉप है जिसको अप्रूव किया गया है इंडिया में एंड बाई कौन अप्रूव देता है इस जी एम क्रॉप्स के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी जी ई ए सी जेनेटिक Engineering appraisal committee. This is the approving body. And hi BT cotton ko approve. Hai. And this genetic engineering appraisal committee is under Ministry of Environment. Ministry of Environment. Moving on to question number eight. Question number eight here is: consider the following statements regarding Pokali rice variety. Statement first it is a saline resistant variety statement second it is cultivated in the coastal regions of kerala which of the above given statements is our correct option a one only option b two only option c both one and two and option d neither one nor two i hope ab sabine correct answer correct option take kar liya hoga, guess kar liya hoga. the correct answer टो दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑप्शन सी दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर क्रेक्ट अगर हम पोकाली राइस की बात करें दिस इज़ अ सेलाइन रेजिस्टेंट वराइटी ऑफ राइस एंड दिस इज कल्टिवेट इन वाटर लॉगड वाटर लॉगड कोस्टल एरियाज कोस्टल एरियाज में इसे कल्टिवेट किया जाता है एंड अगर हम केरला की बात करें केरला में इन द डिस्ट्रिक्स ऑफ अली in the districts of alapuzha thissur and irnakulam. irnakulam in these three districts in these three coastal districts of kerala this pokali rice variety is grown and remember it is a saline resistant variety moving on to question number nine question number nine is

इन करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा दिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले इज़ लोकेटेड मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन इज द ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए कॉफी, ऑप्शन बी जूट ऑप्शन सी बैम्बो एंड ऑप्शन डी शुगर की आई होप आप सभी ने क्रेक्ट आंसर क्रेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गैस कर लिया होगा रिगॉर्डिंग ग्रीन gold revolution this is related to option C that is bamboo moving on to question number 11 question number 11 is which of the following state in India is known as garden of spices option a karnataka option B Kerala option C Madhya Pradesh and option D assam I hope it करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टू टूअर इलेवंथ क्वेश्चन इज ऑप्शन बी दैट इज द स्टेट ऑफ केरला इज़ नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस नीरली अबाउट आई थिंक फिफ्टी सेवन परसेंट ऑफ टोटल स्पाइसेस दिस नीरली अबाउट फिफ्टी सेवन परसेंट ऑफ स्पाइस प्रोडक्शन इज प्रोड्यूसड इन द स्टेट ऑफ केरला एलो एंड मूविंग ऑन टू यर लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज जुडिमाइस वाइन रिसे गॉड जी आई टैग इज मेड इन ऑप्शन ए केरला ऑप्शन बी असम ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी हरियाणा आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा द करेक्ट आंसर to the last question is option b that is in the state of assam this judima this is a rice wine this is produced in the state of assam and assam make important tribe hai. this tribe is dimasa tribe dimasa tribe of assam produces this rice wine judima and recently i think in this month of september सेप्टेम्बर अक्टूबर आई थिंक इन मंथ ऑफ अक्टूबर दिस राइस वाइन गॉट जी आई टैग दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज एम सी क्यू सेशन होप दैट जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं आप उन एग्जाम में इन क्वेश्चन में से कहीं पर भी क्वेश्चन देख सकते हो एंड जो ही क्वेश्चन देखोगे आप अच्छे से अटम्प्ट कर पाओ थैंक्स हैव ए गुड डे